हाँ इसका वेट होगा सर। रोलिंग एंड एक्शन। क्या हुआ? हाँ रोलिंग एंड एक्शन। रोलिंग एक्शन। जिसके जो जी में आता है सुना देता है। भाभी मेरा वो मतलब नहीं था। अरे भाभी सुनो तो, मैंने बस सुमन को डरा। एक्शन। हाँ रोलिंग एंड एक्शन। इसके बाद ये दोनों बात रोलिंग एंड एक्शन। ओ भाभी मैंने ऐसा क्या किया? हाँ हाँ इस घर में तो हम ही सब कुछ करते हैं ना। तुमने सुमन को ये क्यों कहा कि ऑर्डर एक करो। रोलिंग एक्शन। एक मिनट। हाँ ऑर्डर। हाँ रोलिंग एंड एक्शन। हाँ भाभी मैंने ऐसा क्या किया? हाँ हाँ इस घर में हम ही सब कुछ करते हैं। तुमने सुमन को ये क्यों कहा कि फोटो वाली बात हम सबको बता देंगे? भाभी मुझे लगा आप थोड़े बड़बोले। हाँ हाँ हम बड़बोले। नहीं थोड़ा उनको सुनो रचना, अपना मन जो उसको काटना मत। सब कुछ तुमने सुमन वाली बात सबको क्यों बता दी? अरे बेटा पीछे से। बेटा नहीं है वो बाप है। रोलिंग एंड एक्शन। भाभी वो मुझे लगा आप थोड़े बड़बोले हो ना इसलिए। और वैसे भी तो सबको पता चल ही जाता। हाँ हाँ हम बड़बोले हैं बड़बोले हैं। नहीं नहीं भाभी मेरा वो मतलब नहीं था। हम सब समझते हैं सब समझते हैं। इस घर में हमारे तो इज्जत है ही नहीं। ओके रोलिंग एंड एक्शन। और भाभी मैंने ऐसा क्या किया? हाँ इस घर में तो हम ही सब कुछ करते हैं ना। तुमने सुमन को ये क्यों कहा कि हम फोटो वाली बात सबको बता दें? नहीं नहीं उसकी एक लाइन है रचना की। क्या है? मुझे रोलिंग एंड एक्शन। इस सीन में मेरी थोड़ी नाराज़गी है इनसे
कि जो मुझे फ़ोटोग्राफ्स मिले हैं सुमन के, वो ये सोच रही हैं कि मैं सबको बता दूंगी उस बारे में, तो इस बात को लेकर, और ये मुझे सोच बता बोल रही हैं कि आप बहुत बड़बोली हैं, तो उस बात से मेरी नाराज़गी है। सुमन की कुछ इंटीमेट पिक्चर्स हैं श्रवण के साथ, तो उस पिक्चर्स को लेकर बातचीत चल रही है। मैम आप लोग कंटिन्यू एक्टिंग करते हैं मॉर्निंग टू इवनिंग, उसे स्ट्रेस फ्री करने के लिए क्या करते हैं? सी मैं तो अनवाइंड करने के लिए एक्सरसाइज करती हूँ, थोड़ी मसाज कराती हूँ, और जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन मैं डिनर्स के लिए जाती हूँ। मैं तो कॉफ़ी पीती हूँ, और जितना समय मिले अच्छे से अपनी नींद पूरी करती हूँ। मैम ये जो कैरेक्टर है रियल लाइफ से कितना डिफरेंट है? अरे बहुत डिफरेंट है, आई एम अ वेरी रिजर्व पर्सन, और ये तो इतना बोलती हैं कि बंद ही नहीं होती हैं, मतलब बहुत डिफरेंट है। बहुत सारा डिफरेंस है रियलिटी में, मैं किसी की मासी तो हूँ नहीं, और असल ज़िंदगी में भी मैं ज़्यादा बोलती नहीं हूँ, मैं भी बहुत रिजर्व हूँ। यहाँ पर ज़्यादा बोलना पड़ता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बोलना पड़ता है। देखिए अब जैसे शुरू शुरू में थोड़ा मुश्किल हुआ करता था, लेकिन अभी काफ़ी प्रैक्टिस में है तो हो जाता है उस तरह से उतना, लेकिन फिर भी हाँ अगर बहुत लंबे डायलॉग्स हैं और लंबा सीन है तो वक्त लगता है, और काफ़ी पैल्पिटेशन भी बढ़ जाती है देखते ही कि बहुत डायलॉग हैं यार आज तो, है ना, तो थोड़ा समय लगता है लेकिन हो जाता है। देखो यहाँ टेलीविजन में प्रिपरेशन का तो कुछ मिलता ही नहीं है चांस, आपको तुरंत से स्क्रिप्ट मिली है तुरंत आपको इमोट करना पड़ेगा, तो वक्त की बहुत कमी होती है, तो उस तरह से तैयारी की कोई गुंजाइश नहीं। आई बिलीव सम डेज आर गुड सम डेज आर बैड, अगर आपका दिन अच्छा है सब कुछ अच्छा अच्छा जाएगा, नहीं है तो आपको पूरा दिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती रहेगी, तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन अ गुड डे और अ बैड डे। फैंस को यही बोलना चाहेंगे कि हमारा शो देखें, और अच्छा शो है, पसंद किया जा रहा है, आप इसको फॉलो कीजिए। सेम थिंग, थैंक यू। आप अपना पेपर पढ़ते रहो ना, वो डब्बू को वहां बैठाने की जगह ना यहाँ पे कुछ करा ना, भाग रहा है यहाँ से वहां से, कुछ तो कुछ तो होगा। रोलिंग पीछे ले जाओ, क्या लगता है बाहर ले जाओ सर, फ्रेम से बाहर ले जाओ, फ्रेम से बाहर ले जाओ। रोलिंग एंड एक्शन। हाँ, कार्टिंग कराओ तो समझ में आए।